नमस्कार एंड वेलकम बैक इन अमेजमेंट ब्लॉग्स। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि हम किसी भी होटल को जब बुक करने जाते हैं या फिर ओयो हो या फिर किसी भी प्रकार का होटल, तो वहाँ पे आईडी क्यों मांगते हैं, वहाँ पे हमें किस प्रकार का आईडी देना चाहिए और कौन कौन सा आईडी देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो है कि आखिर क्यों हमें आईडी प्रूफ देना पड़ता है। हमसे ये आईडी इसलिए मांगी जाती है क्योंकि हर एक होटल में एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। किसी किसी होटल में 1 महीने तक का होता है, किसी किसी में 15 डेज़। सबके टर्म एंड कंडीशंस अलग हैं, बट उसको रिकॉर्ड मेंटेन ज़रूर करना पड़ता है क्योंकि हमें नहीं पता कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, कहाँ से आया हुआ है, उसका क्या नेचर है। बहुत से लोग छुटने के लिए भी होटल में जाते हैं, बहुत से लोग जो बिज़नेस से रिलेटेड है वो स्टे करने के लिए होटल में जाते हैं। तो बस इन्हीं सब कारणों से कि आगे जा के ना होटल को कोई प्रॉब्लम हो और ना कोई आपको प्रॉब्लम हो, बस इसलिए आईडी प्रूफ मांगा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो अनमैरिड कपल या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होटल्स में जाते हैं, इनके मन में सबसे आता है वो है कि क्या हम फेक आईडी का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ओरिजिनल आईडी का यूज़ करें। अभी के समय में 90% होटल के पास एक मशीन होती है जिसका नाम है आईडी डिटेक्टर मशीन, जिसमें आपके आईडी को स्कैन किया जाता है और वो इमीडिएटली बता देता है कि आईडी फेक है या ओरिजिनल है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि आप लोग क्यों कोई भी गलत काम करें, फेक आईडी के यूज से आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है और आप फंस भी सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन के बात करें जो कि मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि हमें कौन सा आईडी प्रूफ देना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप पैन कार्ड को छोड़ के कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी लोकल आईडी आप इजीली यूज कर सकते हैं होटल बुकिंग में, बस आपको पैन कार्ड अलाउ नहीं होता है। तो ये था आपके सारे आईडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर्स। ये बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो था ताकि आप कभी भी होटल बुक्स करने जाए तो आपको आईडी को लेकर किसी प्रकार का परेशानी ना हो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।